Hello all. We are learning an important subject that is object-oriented programming and methodology. इस subject में second unit में हम classes और objects के बारे में detail में discussion करेंगे. इसमें सबसे पहले हम introduction to classes and objects देखेंगे और फिर उसके बाद details में classes और objects के बारे में discussion करेंगे या study करेंगे. इसके बाद हम access specifiers या visibility modes को discuss करेंगे जो कि private, protected और public होते हैं जो कि बहुत important होते हैं. इन्हीं की मदद से हम मेंबर्स को अलग अलग लेवल की सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेंगे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में. इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्शन और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम क्लासेस एंड फंक्शंस में फंक्शंस की अलग अलग कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे जैसे कि फंक्शन एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एंड लाइक दैट. इन सारी कैटेगरीज के बाद फिर हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जैसे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन. कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कितने अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हो सकते हैं जैसे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट और लास्टली डायनामिक कंस्ट्रक्टर हम डिस्कस करेंगे. कंस्ट्रक्टर्स के बाद हम डिस्ट्रक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस फ्रेंड फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज. फ्रेंड फंक्शन में भी हम अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ सिंगल क्लास एंड अ सिंगल फ्रेंड फंक्शन ऑफ मल्टीपल क्लासेस, ये दोनों ही तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम इनलाइन फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. इन सारे टॉपिक्स के बाद फिर हम एरेज के बारे में बात करेंगे और कैसे एरेज मेंबर डेटा की तरह यूज किए जा सकते हैं या डेटा मेंबर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. और लास्ट में हम स्टैंडर्ड C++ स्ट्रिंग क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको हम उसके कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स और डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे. फिर उनके इटरेटर्स के बारे में बात करेंगे, कैपेसिटी से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट एक्सेस के फंक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, मॉडिफायर्स, स्ट्रिंग ऑपरेशंस और नॉन मेंबर फंक्शंस और रिलेटेड ऑपरेटर के बारे में भी बात करेंगे. सो आइए स्टडी करते हैं सेकेंड यूनिट दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. थैंक यू.